आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, कुख्यात आतंकवादी मुन्ना लाहौरी एनकाउंटर में ढेर, सेना के काफिले पर करता था हमले। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामला, मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक। कांग्रेस नेता कंप्यूटर बाबा का दावा, बीजेपी के चार और विधायक कांग्रेस में आने के लिए उनके संपर्क में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा, दो विधायकों ने बीजेपी छोड़ी तो स्पीकर को लिखकर क्यों नहीं दिया। और कई जगह बारिश का कहर, रेल पानी से घिरी, एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को रेस्क्यू कर निकाला। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, उसमें दो आतंकवादी मारे गए, जिसमें से एक जैश का टॉप कमांडर मुन्ना लाहौरी है। इसके अलावा दूसरे आतंकी का नाम जीनत मीर बताया गया है। आतंकी मुन्ना सेना के काफिले पर अटैक करता था और सुरक्षा बल इसे लंबे अरसे से तलाश रहे थे। पाकिस्तान के दक्षिण कश्मीर के टॉप जैश कमांडर मुन्ना लाहौरी को एक ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पुलिस के मुताबिक एक खबर मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया था। आतंकी मुन्ना आईडी बनाने में एक्सपर्ट था। इसके अलावा घाटी में लोगों और सुरक्षा बलों की लगातार हत्या की गई मामलों में वे जिम्मेदार था। सेना के काफिले पर हमला करना और जैश ए मोहम्मद में भर्ती कराने के लिए भी मुन्ना लाहौरी कुख्यात था। मारा गया जैश ए कमांडर मुन्ना लाहौरी 30 मार्च 2019 को बनिहाल में सुरक्षा बलों के काफिले पर हुए आतंकी आंशिक कार ब्लास्ट में भी जिम्मेदार था। मुन्ना को इस साल जून में पुलवामा के अरहाल में सेना की गाड़ी पर हुए घातक कार विस्फोट ट्रक के पीछे का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। शनिवार को हुए कार्रवाई में आतंकी एक घर में छुपे हुए थे। आतंकियों ने सुरक्षा बल को आता देख उन पर फायरिंग कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और दोनों आतंकियों को मार गिराया। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में नया मोड़ आया है और दिल्ली कोर्ट ने आरोपी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुरी को ईडी के अधिकारियों को जांच में पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले बड़ा घटनाक्रम तब हुआ था जब पूछताछ के लिए पहुंचे रतुल पुरी चकमा देकर ईडी ऑफिस से अचानक गायब हो गए थे। बताया जा रहा है कि रतुल को ईडी ऑफिस पहुंचने पर बैठने के लिए कहा गया था, लेकिन वे बाथरूम जाने का बहाना बनाकर ऑफिस से कहीं चले गए थे। रतुल पुरी ने दिल्ली कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की। ईडी ने रतुल पुरी को पूछताछ के लिए ऑफिस तलब किया था, लेकिन वो बाथरूम जाने का बहाना बनाकर भाग निकला। उसे डर था कि ईडी के अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। बाद में दिल्ली कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए उसे राहत दी, लेकिन उसे ये निर्देश दिया कि वो ईडी अधिकारियों को पूछताछ और जांच में पूरा सहयोग करेगा। ईडी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड केस में पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था। रतुल पुरी हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और वो 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले का आरोपी है। इस घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सरकारी गवाह बने बिचौलिए और दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना द्वारा दिए गए बयान में रतुल पुरी का नाम सामने आया है और उसके बाद ईडी ने उसे समन भेजा है। इस घोटाले के बारे में बता दें कि फरवरी 2010 में यूपीएस सरकार ने ब्रिटिश इटालियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए एक सौदा किया था। 3600 करोड़ रुपए के इस सौदे के तहत वायुसेना के लिए 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। इस डील में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले मिशेल को पिछले साल दिसंबर में यूएई से
प्रत्यार्पित कर भारत लाया गया। दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना भी पकड़ा गया, लेकिन वो सरकारी गवाह बना और उससे पूछताछ में कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी का नाम लिया। रतुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्ता हेलीकॉप्टर केस में उसकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था। ईडी जांच कर रही है और आखिर रतुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आया। उज्जैन में नदी न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने दावा किया है कि प्रदेश भाजपा के 4 विधायक उनके संपर्क में हैं। वे भाजपा से तंग आ चुके हैं और कांग्रेस में आने के लिए छटपटा रहे हैं। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि आने वाले वक्त में उन्हें सीएम कमलनाथ के सामने पेश कर दूंगा। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि बीजेपी विधायक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और भाजपा से परेशान हैं। मेरे संपर्क में बीजेपी के 4 कद्दावर विधायक हैं। उन विधायकों को कमलनाथ पर पूरा भरोसा है, वो विकास के लिए समर्थन देंगे। शिवराज और भाजपा का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। मुझे काफी परेशान किया था। बाबा ने कहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जब भी कहेंगे विधायकों को उनके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। देखिए, हमारे साथ जो संपर्क हैं वो 4 विधायक हैं और बहुत दिनों से हैं, वो कद्दावर विधायक हैं। आने वाले समय में हम माननीय मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी से कहेंगे हम पेश कर देंगे। वो बड़े परेशान रहे, आज भी परेशान हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी से और बीजेपी से। इनके कथनियों करनी में जमीन आसमान का फर्क है, ये झूठ बोलने के एक नंबर है, इसीलिए वो भी परेशान है और सब चाहते हैं विकास। उनको कमलनाथ पर भरोसा है, कमलनाथ माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा है कि लगता है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, इसीलिए कमलनाथ जी के समर्थन करना चाहिए। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि शिप्रा सदा नीरा और स्वच्छ बनी रहे, इसके लिए सरकार काम कर रही है। अभी नदी में नाले मिल रहे हैं, मगर नवंबर तक ये गंदा पानी नदी में मिलना बंद हो जाएगा। कंप्यूटर बाबा ने शिप्रा नदी पर डैम बनाने की भी पैरवी की। उनका कहना है कि कमलनाथ की सरकार 5 साल नहीं बल्कि 25 साल तक चलेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में सबसे अधिक अवैध उत्खनन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल में हुआ है। नर्मदा से लेकर अन्य नदियों में भाजपा से जुड़े लोग अवैध उत्खनन कर खूब पैसा बना चुके हैं। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीजेपी के 2 विधायक तोड़ने का सिर्फ दावा है। विधायक बीजेपी छोड़ गए हैं, वे यह स्पीकर को लिख कर दें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जैसा कांग्रेस की कमलनाथ सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने बीजेपी के 2 विधायक तोड़ लिए हैं, वह सिर्फ दावा ही है, क्योंकि दोनों विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को लिखकर नहीं दिया है कि वह कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की उस बात पर भी चुटकी ली जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के 4 विधायक उनके संपर्क में है। तोमर ने कहा, कहने में क्या जाता है, वह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में है। 2 विधायक टूट गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष को किसी भी विधायक ने अभी तक ये लिखकर नहीं दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके। दावे से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो कोई भी दावा करें, मैं दावा कर दूं कि पूरी कांग्रेस मेरे संपर्क में है तो क्या सच हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का निदान नहीं है, इसके लिए मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने यह भी दावा किया कि जब एमपी में शिवराज सरकार थी तो किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की गई थी। देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, जहां एक तरफ मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 24 घंटों में भारी बरसात की चेतावनी दी है, वहीं उत्तराखंड में भी ऑरेंज अलर्ट है, जिसके बाद स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनने के चलते अगले 48 घंटों तक उत्तर कोंकण में भारी बारिश हो सकती है। यही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर के साथ झारखंड में 2 हफ्ते तक भरपूर बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए देहरादून जिले में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कश्मीर में भी लगातार भारी बारिश के कारण चेनाब का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। यही नहीं, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब रुख करते हैं मुंबई का। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पानी पानी हो गई है। आफत की बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है।
बीती 24 घंटों में हुई भारी बारिश के चलते मुंबई की रफ्तार थम गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में भी लोगों को बारिश से राहत नहीं मिलेगी। भारी बारिश के चलते महालक्ष्मी एक्सप्रेस पानी से घिर गई है। इस ट्रेन से एनडीआरएफ की टीम ने 900 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया है। मुंबई और महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों में एक बार फिर भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। बारिश के चलते सड़क, रेल और हवाई मार्ग जमकर प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश के चलते मुंबई की हालत बेहद खराब हो गई है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। इस वजह से कई रूट पर लोकल ट्रेन का संचालन प्रभावित हुआ है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। भारी बारिश के चलते महालक्ष्मी एक्सप्रेस को रास्ते में रोकना पड़ा है। इस दौरान लगभग 700 यात्री ट्रेन में फंस गए हैं। ट्रेन को चारों ओर से पानी ने घेर लिया है और पानी ट्रेन के भीतर तक पहुंच गया है। लगभग 9 घंटे बाद यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। लगभग सभी यात्रियों को ट्रेन से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इधर चेंबूर सहित अन्य इलाके जलमग्न हो गए हैं। सियोन और गांधीनगर मार्केट के इलाकों में भी खूब पानी भर गया है। ग्वालियर चंबल इलाके में भी भारी बारिश के कारण कई इलाकों में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शिवपुरी जिले में सिंध नदी उफान पर है, जहां जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। श्योपुर जिले में भी भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मध्य प्रदेश से राजस्थान का सड़क संपर्क कट गया है। शिवपुरी, गुना सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के चलते सिंध नदी उफान पर है और शुक्रवार से सिंध में अचानक पानी तेजी से बढ़ता चला गया है। हालात ये हैं कि शाम होते होते खतौरा अशोकनगर स्टेट हाईवे पर मौजूद पचावली पुल के ऊपर करीब 2 फीट सिंध का पानी बहने लगा है। करीब 10 मीटर ऊंचे होने के बावजूद इस पुराने जर्जर पुल पर सिंध के तेज बहाव के बीच लोग जान की कीमत पर पैदल, बाइक, कार, बस, ट्रक व ऑटो से इसे पार करते नजर आए। सिंध में उफान के कारण उससे जुड़ने वाली कोलारस की गुंजारी नदी में भी उफान आ गया है, जिसमें शाम को एक युवक फंस गया। पानी में फंसे युवक का नाम कल्लू जाटव है, जो लकवे की दवाई लेने के लिए कोलारस इलाके में आया था और एक स्थान पर जहाँ सिंध नदी और गुंजारी नदी मिलती है, वहाँ अचानक पानी बढ़ने से वह पानी में फंस गया। हालांकि कुछ जगह रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते पार्वती नदी सहित जिले भर के नदी नाले उफान पर हैं। खतौली के पास पार्वती नदी पर बना हुआ पुल पानी में डूबा हुआ है। इसके चलते मध्य प्रदेश का राजस्थान के कोटा और खतौली से संपर्क टूट चुका है। वहीं सोईकला के पास हाईवे पर बना हुआ रपटा और गिरधरपुर और ढोढर के बीच रेलवे ट्रैक का पुल भी नदी नालों में डूब रखा है, जिससे शोयपुर से सवाई माधोपुर की तरफ आने जाने वाले वाहन के पहिए साइकला के पास थमे हुए हैं। गिरधरपुर और ढोढर के पास रेलवे ट्रैक का पुल डूब जाने और पटरियों के नीचे से गिट्टी बह जाने की वजह से शनिवार को नैरोगेज भी अपने गंतव्य के लिए रवाना नहीं हो सकी है। इस वजह से यात्रियों को परेशानी उठाकर अपनी यात्राएं रद्द करनी पड़ी है। इस इलाके की कई बस्तियों के घरों में पानी भर गया है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में गांव और किसानों की हर छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाने का दावा सरकार करती रहती है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल इतर है। बारिश में लोग जैसे तैसे ड्रमों के जरिए नदी पार करते हैं। इन समस्याओं को सुलझाने में ना बीजेपी सरकार की रुचि थी और ना ही कांग्रेस की सरकार की रुचि है। एक तरफ मध्य प्रदेश के विकास की दास्तान है तो दूसरी तरफ इस दास्तान की हकीकत बयां करती तस्वीरें। बारिश में गांव और किसान के हालात क्या होते हैं, ये उसकी छलक भर है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ तक ने किसानों के लिए बातें तो बड़ी बड़ी की, लेकिन काम कितना हुआ यह तस्वीर उस सबकी पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। तमाम नदियां ऐसी हैं कि जिन पर पुल नहीं है और पार जाने के लिए किसान जुगाड़ नुमा नाव का सहारा लेते हैं। शाजापुर शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर बज्जाहेड़ा में जान हथेली पर रखकर ग्रामीण चीलर नदी पार कर रहे हैं। 4 ड्रम और लकड़ी के पटिये रखकर बनाई गई नाव को ग्रामीण नदी के पार पेड़ से बंधी रस्सी से खींचते हैं और इस पार से उस पार पहुंचते हैं। इस दौरान यदि थोड़ा सा संतुलन भी बिगड़े तो नदी में गिर सकते हैं। दर्जनों किसानों का सहारा सरकार नहीं, यही ड्रम है। बीजेपी की सरकार रहते कभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस छोटे मसलों पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब ये उम्मीदें उन ड्रम में कैद हो गई हैं। जिस तरह वर्तमान की कमलनाथ सरकार कई सहारों से चल रही है, ठीक वैसे ही 4 ड्रमों को रस्सी से बांध कर लकड़ी के पटिये रखे गए ताकि 3 से 4 ग्रामीण इस पर बैठ सके। फिर दूसरी ओर पेड़ से बंधी रस्सी को खींचते हैं और नदी पार होती है। कई बार ये जुगाड़ नाव डोलने भी लगती है। ऐसे में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अभी इस नदी में 10 से 15 फीट पानी भरा हुआ है, इस कारण खतरा बहुत है। यहाँ के सरपंच डॉक्टर जगदीश सिंह पवार का कहना है कि नदी पर बना बैराज भर गया है, इस कारण खेतों में पहुँचने के लिए किसानों ने ड्रम की नाव बनाई है। नदी पार करते समय हादसा हो सकता है। सरकार से पुल निर्माण की मांग की है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तवे कमलनाथ कहलाओ, इन पंक्तियों पर सिख समाज ने आपत्ति जताई है। गुरु गोविंद सिंह जी की पंक्तियों को सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए उपयोग करने पर सिख समाज ने तीखा विरोध दर्ज किया है। सिख समाज का कहना है कि इन पंक्तियों का उपयोग एक पवित्र कार्य के लिए किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने पंक्तियों का इस्तेमाल तोड़ मरोड़ कर सीएम के लिए किया है, ये सही नहीं है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की पंक्तियां, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तवे कमलनाथ कहलाऊं, पंक्ति को मुख्यमंत्री कमलनाथ की तारीफ में इस्तेमाल किए जाने से नाराज सिख समाज ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा इन पंक्तियों के इस्तेमाल से नाराज सिख समाज में काफी रोष है। गौरतलब है कि फेसबुक अकाउंट पर बदलता मध्य प्रदेश और जय जय कमलनाथ नाम से बने अकाउंट में गुरु गोविंद सिंह जी की इन पंक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है, जो सिख समाज को नागवारा गुजरा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इन पंक्तियों का इस्तेमाल पवित्र कार्य के लिए किया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने इन पंक्तियों को मुगलों के खिलाफ बहादुर सिखों को जागृत करने के लिए किया था। चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहा। ये पवित्र पंक्तियां श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उच्चारण की एक बहुत बड़े मकसद के लिए, और उन पंक्तियों को एक प्रदेश के सीएम के लिए कुछ कार्यकर्ता या कुछ लोग एक सीएम के लिए इस्तेमाल करें, ये बहुत ही गलत बात है। और उनके इस तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से पूरे मध्य प्रदेश, बल्कि मैं बोलूँगा पूरे भारत के जहाँ जहाँ ये डिटेल्स पहुँची हैं, सिखों में बहुत ज़बरदस्त रोष है। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने हमको आश्वासन दिया है कि जल्दी ही वो तहकीकात करेंगे, और जिन्होंने इन पंक्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और सिखों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। 1 लाख के इनामी दंपति ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर और पुलिस द्वारा नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लाने की योजना से प्रभावित होकर उन्होंने ये कदम उठाया है।
नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर सुकमा पुलिस के समक्ष नक्सली दंपति ने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों में डीकेएमएस अध्यक्ष मड़कम सुक्का और मड़कम सोनी शामिल हैं। डीकेएमएस अध्यक्ष मड़कम सुक्का पर शासन ने 1,00,000 का इनाम रखा था। बताया जा रहा है कि आत्मसमर्पित मड़कम सुक्का सलवा जुड़ुम से पहले नक्सल संगठन में बाल संगम के पद पर सक्रिय रहा है। इस प्रकार मड़कम सोनी भी सलवा जुड़ुम से पहले केएनएस सदस्य के पद पर भर्ती हुई थी। खेत में झोपड़ी बनाकर रह रहे मजदूरों के घरों में आग लगने से एक के बाद एक 3 सिलेंडर फटे, जिससे जोरदार धमाका हुआ। जिस वक्त आग लगी झोपड़ी में कोई नहीं था, सभी मजदूर मजदूरी करने बाहर गए हुए थे, जिस कारण किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। राव के नेहरू नगर में शुक्रवार सुबह मोहम्मद हुसैन के खेत पर रह रहे मजदूरों की झोपड़ियों में आग लग गई। आग के बाद वहां रखे 3 गैस सिलेंडर फट गए। आग लगने के वक्त वहां कोई नहीं होने के कारण जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि सभी काम से बाहर गए हुए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। धमाके से सिलेंडर के टुकड़े आसपास बिखर गए। शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों को कम कैसे किया जाए, जिसमें खास तौर पर बैंकों और एटीएम की सुरक्षा कैसे हो, इसके लिए थाना परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को एडिशनल एसपी ने संबोधित किया, जिसमें बैंकों के कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संत हिरदाराम नगर थाना परिसर में शासकीय बैंकों और एटीएम की सुरक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गांधीनगर, परवलिया, खजूरी एवं बैरागढ़ के बैंकों के कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में एडिशनल एसपी दिनेश कौशल ने बैंकों की सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश दिए। आए दिन एटीएम और बैंकों में चोरी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बैरागढ़, खजूरी, परवलिया, गांधीनगर के सरकारी एवं प्राइवेट बैंक आते हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जितने भी सुरक्षा दृष्टि के उपकरण लगाए गए हैं, वे पूरी तरह अपडेट होने चाहिए एवं एटीएम में सुरक्षा गार्ड जरूर होना चाहिए, ताकि घटनाओं को रोका जा सके। बैठक में एडिशनल एसपी ने कहा कि बैंकों में गोल्ड लेकर आते हैं और उस पर लोन लेकर सालों तक नहीं लौटते, ऐसे लोगों की सूची बनाकर थानों में सूचित किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। कई अपराधी घरों में से चुराए हुए गोल्ड बैंकों में जमा कर रकम हासिल कर लेते हैं और गोल्ड को छुड़ाने नहीं आते। बैठक में इस अवसर पर एसडीओपी अजय नायक, थाना प्रभारी तरुण भाटी, एसआई मिश्रा सहित बैंक के कर्मचारी मौजूद रहे। और एटीएम के संबंध में इनके ब्रांच मैनेजर और एटीएम करते हैं, उनके कंपनी वालों से मीटिंग हुई थी। लगभग 4 थानों के लोग आए हुए थे। इनको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बैंक में सीसीटीवी कैमरे हों, रोड पर भी रखें, हाई क्वालिटी के हों और इसके अलावा नाइट विजन भी होने चाहिए और थोड़ा सा इस तरह लगाएं जिससे हिडन भी हो, आसानी से पहुंच ना हो वहाँ पे, और बार बार उसको चेक भी करते रहें कि उसकी जो साइड है वो सही जगह है कि नहीं है, जो उसका वे है वो सही जगह रहे। इसके अलावा गार्ड अनिवार्य रूप से रखें, जो एटीएम है उनमें भी और इसमें भी, बैंक में भी। इनके यहाँ जो प्राइवेट लोग काम करते हैं उनका वेरिफिकेशन होना थाने से ज़रूरी है, वो सूचना दें उसमें थाने में, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं कौन है, कोई टेंडर से काम करता है उनकी सूचना दें, और यदि सस्पेक्ट लगते हैं जरा भी, कोई सुबह आता है, रात को आता है, दोपहर में आता है, तत्काल इन्फॉर्मेशन दें। हम लोग के स्टाफ भी जाते हैं, वहाँ एक रजिस्टर रखा गया है कि भाई ये चेक करेंगे, जो चेक करते हैं थाना प्रभारी का नंबर, स्टाफ का नंबर रखें और परस्पर इनका समन्वय भी बना रहे। और इसके अलावा एक वो भी बताया गया कि ये अलार्म जो सिस्टम है वो चालू रहे और जो हॉटलाइंस है उसके बारे में भी ये लोग अपनी सब जगह कुछ जगह नहीं लगे वो चालू करें। अब बात आज के वीडियो वायरल की। आपने एक दो पर पुलिस के जवानों को कदम ताल करते कई बार देखा होगा, मगर हमारे सिनेमा जगत के 70 के दशक के चर्चित गीत पर पुलिस को कदम ताल करते आप पहली बार देखेंगे। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाना है मुझे जाने दो, आगे जाके क्या करोगे, पीछे मुड़। जी हाँ, गाने में थोड़ा बदलाव है और यह बदलाव नागालैंड पुलिस ने किया है। पुलिस की नौकरी में तनाव किस कदर होता है, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। ऐसे में नागालैंड पुलिस के इस प्रयोग का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncdu.ac.in.